नमस्कार, मैं हूं रवि जांगड़ा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा का डिजिटल प्लेटफॉर्म। प्रदेश की आबो हवा, खासतौर पर जिक्र किया जाए एनसीआर क्षेत्र का, तो आबो हवा लगातार दूषित होती जा रही है, बिगड़ती जा रही है। और इस वक्त मैं मौजूद हूं भिवानी जींद मार्ग पर, भिवानी जींद स्टेट हाईवे पर इस वक्त मौजूद हूं। और यहां के अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो निश्चित तौर पर प्रदेश के दूसरे जिलों से कहीं ना कहीं बदतर इसको माना जा रहा है। 342 इस जगह बीबीपुर गांव के पास मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पर 342 जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो आंका गया है, दर्ज किया गया है। और इससे परे अगर मैं 20-30 किलोमीटर की बात करूँ, भिवानी क्षेत्र की बात करूँ, तो वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स वहाँ भी काफ़ी पुअर, यानी 250 के करीब आंका गया है। 342 का जिस जगह मैं मौजूद हूँ, 342 का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो मापा गया है वो बेहद पुअर स्थिति में इसको माना जाता है, जांचा जाता है। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रदेश के कृषि मंत्री, किसानी महकमे के मंत्री जयप्रकाश दलाल भी कहते हैं कि जो ये आबो हवा दूषित हुई है उसके पीछे पंजाब जिम्मेदार है। और पंजाब इस तरह से जिम्मेदार उनके द्वारा बताया गया है कि पश्चिम की जो हवाएं चल रही हैं उनकी वजह से पूरा क्षेत्र जो है उन पश्चिम के हवाओं की वजह से चारों तरफ स्मोग छाया हुआ है। अगर हरियाणा और पंजाब की तुलना की जाए पराली प्रबंधन को लेकर या पराली जलाने के मामलों को लेकर, तो पंजाब में हरियाणा से कई ज़्यादा गुने मामले जो है पराली जलाने के आए। अगर हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए 35-36 लाख मीट्रिक टन जो है वो धान उसकी आवक हो चुकी है। इस बीच क्योंकि पहले ही कटाई शुरू कर दी गई थी, उसके बाद जब बुआई अगर होनी है गेहूं की तो निश्चित तौर पर कटाई पहले 15 सितंबर तक कर दी गई थी। ऐसे में 1000 से भी कम मामले अभी तक जो है वो पराली जलाने के, जिस तरह की बात सूबे के किसानी विभाग के मंत्री भी कहते हैं, वो सामने आई है। निश्चित तौर पर अगर आबो हवा बिगड़ती है, बदलती है, तो उसका नुकसान आमजन को भी उठाना पड़ेगा, भुगतना पड़ रहा है। अस्पतालों में जो है जो सांस, दमा, अस्थमेटिक जो मरीज़ हैं उनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। उपचार एक ही है कि लोगों को खुद बचाव करना होगा, क्योंकि ये हवा जो दूषित हो रही है हरियाणा में, हालांकि पराली के मामले में बात करें लेकिन कैथल की बात करें, जींद की बात करें या साथ लगते भिवानी के दूसरे जिलों की बात करें, तो उन जिलों में इस वक्त जो है प्रदूषण का लेवल यानी बेहतर जो है नहीं माना जा सकता है, बेहतर नहीं आंका जा सकता है। प्रदूषण का स्तर जो है वो लगातार बिगड़ता जा रहा है।